हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज है मंगलवार। तो आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं बता देती हूँ, 5:15 और मैं 4 बजे से जगी हुई हूँ। और मैंने देखो नहा धो के पूजा भी कर ली है, तो फाइनली मैं हो रही हूँ रेडी। ये देख रहे हैं आप, अभी प्रेसिंग चल रही है कपड़े में, तो अंश को बस उठाना बाकी है, बाकी अंश भी उठ जाएगा अभी। और मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है एक खास जगह पर, जहाँ पे जाने के लिए हम सुबह सुबह ही रेडी हो रहे। और गोपाल भैया को 2 बार उठा चुकी हूँ और अब उठे हैं, 4 बजे से उठा उठा के 1 घंटे बाद उठे हैं। हम जब आप सोए हो ना तभी हम भी सोए हैं। क्यों सोए हो 2 बजे? तो हमारी गलती है, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मुझे आपकी मर्जी है, बाकी हम तो रेडी होंगे ही। तो मैं बताऊंगी आपको अभी थोड़ी देर बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं जल्दी जल्दी प्रेस वगैरह निपटा लूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी। हम लोग को जाना है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, जो कि बिल्कुल बंगला साहब के साथ में है ना, सीपी में पड़ता है। तो उसकी खास बात यह है कि उसको वो पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है आज से 5,000 साल पहले शायद, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ। और वहाँ पे राम नाम का जाप 24 घंटे चलता है, वो मतलब राम नाम का जाप 24 घंटे वो मंदिर खुला रहता है और 24 घंटे वो जाप चलता है, जिसके कारण वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है वो मंदिर। तो आज फाइनली हम उस मंदिर में जा रहे हैं। इतने टाइम से मैं गई ही नहीं हूँ उस मंदिर में और मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मंदिर है वो पता था, बट कभी ऐसा गई नहीं, कभी देखा नहीं। तो फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया है कि आज मंगलवार भी है और हम सब जाएंगे वहाँ पे। तो सब रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट, माँ भी रेडी हो गई है। बारिश आ रही है, बारिश आ गई। अरे भैया बारिश आ गई सुबह सुबह, हम मंदिर कैसे जाएंगे? अरे रे, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अब बारिश आ गई है। बेची बस ऐसे छोड़ दिया इसको, तो है ही नहीं। तो फाइनली हम कनॉट प्लेस पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। आप देख सकते हो ये है सीपी का एरिया, यहाँ से कट से ना मगा रहे थी। ये साइकिल पे घूमनी है एक बार, ये रहा ये साइकिल, पैसा पेमेंट करो साइकिल ले जाओ और हाँ पूरा यहाँ वहाँ कहीं भी घूमना है आप घूम लो। हाँ फिर ला के यहीं खड़ी कर दो यार, जरा साड़ी पहन के आ गई, मुझे क्या पता था बारिश हो जाएगी। माँ भी अच्छा खासा सूट पहन लगी थी, खुलवा दिया मैंने। ये रहा मंदिर, यही आगे वाला कौन सा मंदिर है? हाँ वो ये गणपति मंदिर है, वहाँ है मंदिर। फाइनली हमने प्रसाद भी ले लिया है, पकड़ो ये फूल माला को पता नहीं जरूरत। यही भी खोल रहे हैं ये लोग, तो स्टैंड है तो पैर गंदा हो जाएगा। प्रसाद जहाँ से लिया वहाँ ना, आ जाओ आ जाओ अंदर खोल लेंगे स्टैंड में। कहाँ है स्टैंड? बोरा क्या बोरा बोरा सामने सामने गोपाल भैया। फूल माला भी ले लो, टोकरी ले लो, क्या पूछो कितने का है ये टोकरी? कैसे देंगे? 20 के लिए आगे टोकरा देना पड़ेगा, मैंने टोकरा भी ले लिया। ये लो आगे 20 रुपये देना है, ठीक है उनको। अंदर ही अंदर सब
लाइटिंग के ऊपर। जय श्री राम की जय। अच्छा वाले सुबह सुबह आ गए, अभी भीड़ बढ़ जाती दुकान में, भीड़ बढ़ जाती सुबह सुबह ही आ गए। हनुमान मंदिर से आ गए हैं हम लोग दर्शन करके, अभी हम जा रहे हैं पास में ही गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो चलिए फिर चलते हैं उधर, वहाँ का भी मंदिर दिखाते हैं। क्या हो गया? कोई बात मानो मत उसकी, कैसे उसको ला रखा है, कपड़ा ऊपर नीचे सब हो रखा है, कैसे रख रहा है देखो, बड़ा बच्चा हो गया है। जैकेट नीचे करो उसको, गोबल भैया बेचारे की इज्जत विज्जत सब उघाड़ दी है, इज्जत नाम की चीज नहीं है भाई, तुम ज्यादा व्यू आते हैं उसके चैनल पे। यहाँ भी जूता खोलने का था, वैसे तो पहन के आ सकते थे, पैर में लटका के अंदर कैमरा लाउड है। ओ यहाँ भीड़ ही नहीं है। तो फाइनली मंदिर से आ गए हैं हम लोग घर पे आके, अब हम लोग करेंगे नाश्ता और नींद आ रही है सुबह से उठ के। पेटीएम करो मम्मी। सॉरी किस चीज में पेटीएम करना है बेटा? मामा के फोन पे। तो अब हम लोग करने वाले हैं नाश्ता, जो कि गोपाल भैया लेके आए हैं अभी, क्योंकि आके अभी अभी जस्ट आई हूँ आगे बैठे ही है। अंश ने मंगवाया है, अंश को लगी थी भूख और तुरंत बन नहीं सकता कुछ भी, तो फिर उप्स हमने बाहर से मंगवा लिया है, और हमने मंगवाया है छोले भटूरे, तो हम खाएंगे नाश्ते में आज छोले भटूरे। ऐसे नहीं बोलते गंदी बात। हमारी थाली हो गई है रेडी छोले भटूरे की, है ना अंश? ये तो प्यारा लगेगा खाने में, मजा आ जाएगा आज तो। आज बहुत दिन से छोले भटूरे नहीं खाए। बहुत दिन बाद खा रहे ना? हाँ। कहाँ से लाए हो? ठीक है ना? हाँ। मस्त है, स्पाइसी है, टेस्टी है, खा बेटा।